दोस्तों, जो लोग रोडस्टर साइकिल यूज कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्हें पता होगा ये कितनी स्ट्रॉन्ग और लो मेंटेनेंस होती है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक रोडस्टर साइकिल बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हरकुलस सिंगम। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकिल में ओरिजिनल पार्ट्स के बारे में और शुरुआत करते हैं फ्रेम से। दोस्तों, हरकुलस सिंगम 22 इंच और 24 इंच फ्रेम साइज में मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं HDT का स्टिकर है। HDT यानी हेवी ड्यूटी ट्यूब, फ्रेम ट्यूब जो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस पर हरकुलस, पॉपुलर और सिंगम के स्टिकर मिल जाते हैं। हरकुलस सिंगम साइकिल को जो मजबूत बनाती है वो है फ्रेम और व्हील। तो अब व्हील की बात करते हैं। ज्यादातर रोडस्टर साइकिल में 13 के स्पोक होते हैं, पर इस साइकिल में 12 के स्पोक दिए गए हैं। और एक बात, नॉर्मल साइकिल में फ्रंट में 32 स्पोक और रियर में 40 स्पोक होते हैं, वही हरकुलस सिंगम में रियर व्हील में 40 स्पोक है ही, पर फ्रंट व्हील में भी 40 स्पोक मिल जाते हैं, जिससे ये साइकिल काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा 22 इंच और 24 इंच साइकिल में 28 इंच रिम साइज मिल जाती है और इन रिम्स में आपको यह के ओरिजिनल नायलॉन टायर दिए गए हैं, पर आप चाहे तो रियर व्हील में या फिर फ्रंट व्हील में भी टायर चेंज कर सकते हैं। 12 प्लाई, 16 प्लाई या फिर 20 प्लाई टायर बिठा सकते हैं, चॉइस आपकी है। रोडस्टर साइकिल में जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो है ब्रेक्स। इन ब्रेक्स को रोड ब्रेक कहते हैं। फ्रंट और रियर व्हील को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट ब्रेक होते हैं, साथ ही इनका मेंटेनेंस भी कम होता है। दोस्तों, इस साइकिल में 48 टीथ क्रैंकसेट दिए गए हैं जो काफी कम साइकिल्स में मिल जाते हैं। 48 टीथ क्रैंकसेट की वजह से साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है और क्रैंकसेट में रबर पैडल दिए गए हैं जिसमें रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर से याद आया, हरकुलस सिंगम में स्टील मडगार्ड मिल जाते हैं जो कि ब्लैक कलर में है और रियर मडगार्ड में रिफ्लेक्टर दिया जाता है जो कि सेफ्टी रीजन काफी जरूरी होता है। बाकी इस साइकिल में भी स्टील फोर्क और स्टील हैंडल है जिस पर हरकुलस का ब्रांड नेम है। नॉर्मल बॉटम शर्ट और चेन मिल जाती है। दोस्तों, इस साइकिल में आपको 22 टीथ का फ्रीवेल मिल जाता है, वही नॉर्मल साइकिल में 18 टीथ का फ्रीवेल होता है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फ्रेम, 12 के स्पोक और 48 टीथ क्रैंकसेट की वजह से हरकुलस सिंगम बाकी रोडस्टर साइकिल के मुकाबले ज्यादा मजबूत और यूनिक बन जाती है। तो आप अगर ऐसी साइकिल परचेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, अब बात करते हैं साइकिल मॉडल बाकी पार्ट्स के बारे में जो आप अपनी चॉइस के हिसाब से साइकिल में बिठा सकते हैं, जैसे कि सीट, चेन कवर, बेल, लॉक, कैरियर। इन पर शॉर्टकट में बात करेंगे। सीट की बात करें तो अब ज्यादातर लोग इस सीट को लेना पसंद करते हैं जिसमें नीचे की तरफ स्प्रिंग्स होते हैं जिससे साइकिल राइडिंग कंफर्टेबल हो, और इस सीट को लोग काफी सालों से यूज कर रहे हैं। तो चॉइस आपकी है, आप कौन सा सीट बिठाना चाहते हैं। चेन कवर 3 डिजाइन में मिल जाते हैं, कैरियर भी ब्लैक और स्टील में मिल जाते हैं। बेल और लॉक आप अच्छे क्वालिटी का ही ले, बाकी स्टैंड और बम्पर मजबूत ही सिलेक्ट करें। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर लो मेंटेनेंस और स्ट्रॉन्ग साइकिल परचेस करना चाहते हैं तो रोडस्टर साइकिल ले सकते हैं, और उसमें भी आप अगर हरकुलस सिंगम चॉइस करते हैं तो बेटर रहेगा। बाकी इस साइकिल बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइस की, तो साइड में आप इसकी MRP देख सकते हैं। ये साइकिल आप किसी अच्छे साइकिल शॉप से परचेस करते हैं तो इस प्राइस के अंदर एक्सेसरीज के साथ ये साइकिल आपको मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। साइकिल रिव्यू, साइकिल मेंटेनेंस, ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और जल्द ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।